नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। भारत में शादीशुदा महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं। हिंदू सभ्यता के मुताबिक मंगलसूत्र पहनने का सीधा संबंध पति की लंबी आयु से है। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र से पति की उम्र लंबी होती है। इसे पहनने से पति पत्नी में प्यार और कमिटमेंट भी बना रहता है, इसलिए शादी के दौरान लड़कियों को मंगलसूत्र पहनाया जाता है। आजकल मंगलसूत्र के डिजाइन्स में कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं, लेकिन आज भी असली मंगलसूत्र काले बीड्स और दो कप डिजाइन वाले को ही माना जाता है। दक्षिण भारत में आज भी ये दो कप डिजाइन वाले मंगलसूत्र ही पहनाए जाते हैं, लेकिन वहां काले मोतियों की बजाय हल्दी में लिपटा धागा होता है। सोने के दो कप और काले मोतियों से बने मंगलसूत्र के अपने अपने गुण हैं। सोने से बने दो कप सत्वा गुण से जुड़े होते हैं, जो शिव की शक्ति को दर्शाते हैं और दिल को स्वस्थ रखते हैं। इस कप की पहचान है कि इन पर किसी भी तरह का डिजाइन ना बना हो। वहीं काले मोतियों के लिए माना जाता है कि बुरी नजरों और नकारात्मक शक्तियों से बचाते हैं, लेकिन विज्ञान का कुछ और ही मानना है। विज्ञान के मुताबिक मंगलसूत्र ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और बॉडी प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। बस इसके लिए जरूरी है मंगलसूत्र छाती के पास रहे, कपड़ों के ऊपर नहीं। वहीं आयुर्वेदा के मुताबिक सोने के बने मंगलसूत्र के ये दो कप का सबसे लाभकारी गुण ये है कि वो दिल को दुरुस्त रखते हैं। इसके साथ ही मंगलसूत्र में लगी तीन गांठें शादीशुदा जिंदगी की तीन मुख्य बातों को दर्शाती हैं। पहली गांठ एक दूसरे के प्रति आज्ञा पालन को दिखाती है, दूसरी माता पिता के लिए प्यार दिखाती है और तीसरी गांठ भगवान के प्रति सम्मान को दिखाती है। तो आज आपको साइंटिफिकली हमने बताया है कि मंगलसूत्र पहनना कितना लाभकारी होता है। अगर आपको भी ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी जरूर दें।